शिमला जिला के ठियोग सरोज क्यारी चक्र के जंगलों में हो रहे वन कटान को लेकर स्थानीय जनता में काफी रोष है, जिसके चलते वहां की जनता ने ये फैसला लिया है, अगर प्रदेश सरकार और उसका तंत्र जंगल में चल रहे वन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती है और वहां की जनता को उनका हक नहीं दिलाती है तो स्थानीय जनता ठीक उसी तरह बड़ा जन आंदोलन करेगी, जिस तरह कांग्रेस काल में गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए गुड़िया न्याय मंच ने आंदोलन कर सत्ता पलट दी थी। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कही। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार व उनके तंत्र को चेतावनी देते हुए ये मांग की है कि शिमला जिला के उपरी क्षेत्र जंगलों में पौधा रोपण की आड़ में कुछ लोगों ने पेड़ कटान किया और पेड़ों को उखाड़ फेंका और जला दिया, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है। सिंघा ने कहा कि जुलाई में स्थानीय लोगों के माध्यम से डीएफओ को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि कोर्ट की अवहेलना के चलते पूरे क्षेत्र को सील किया जाए। देखिए, ठियोग के सरोग के क्यारी चक और जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन का एक स्कैंडल चल रहा है, जिस विषय को लेकर वहां के लोगों ने यह फैसला लिया है कि अगर सरकार और सरकार का तंत्र उस जंगल के अंदर गैर कानूनी कटान नहीं रोकेगी और लोगों के अधिकार उसमें बहाल नहीं करेगी तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जो उस तरीके का जन आंदोलन होगा जिस तरीके का गुड़िया न्याय मंच का आंदोलन हुआ था। अभी बालानंद जी हमारे बीच में हैं, सोन ठाकुर जी है, संदीप वर्मा है, सुरेश है और सरो के इलाके के लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग सरकार के तंत्र को रिप्रेजेंट किया है, खास तौर पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ठियोग को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर 3 दिसंबर को दिया है, जिस ऑर्डर के तहत रिस्पोंडेंट सिर्फ उसमें वो सेब के पेड़ लगा सकता था जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस ऑर्डर का मिसयूज किया गया है, उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई है और उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए पेड़ों का कटान भी किया है और पूरे जंगल को आग लगा दी गई है और जो फॉरेस्ट द्वारा वहां प्लांटेशन की थी एक एक वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिया गया है। इसलिए जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर जनता की मदद के जरिए डीएफओ ठियोग को मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा और डीएफओ से ये मांग की जाएगी कि क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना हुई है, उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाए। बिल्कुल कहा है कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट से आया है वो सिर्फ पेड़ की प्लांटेशन का था, लेकिन पेड़ की प्लांटेशन के अलावा 3 अन्य काम किए गए हैं, उसको आग लगा दी गई है, जो फॉरेस्ट ने प्लांटेशन की थी वो उखाड़ दी गई है और तीसरा जो बड़े पेड़ है उनकी फेलिंग कर दी गई है, उनको काट दिया गया है, तो इसलिए इस विषय को लेकर हाई कोर्ट भी जाया जाएगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।